साल में हम सोचते रहे थे कि मुझे आ किस तरह से गया, तो सर मैं भी के लिए अगेन क्लैपिंग। और सर आशिक को तो माशाल्लाह समझाने की जरूरत ही पेश नहीं आती, जो तालियां सामने आ जाता है, रूबरू आ जाता है, बस उसकी किस्मत में पास होना लिख दिया जाता है, ये इनका कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात को मैं बगैर किसी शक और शुबा के कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बी एस सी तक के एम एस सी तक के स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 9 से 10, 8 से 9, मतलब कि जो अकेडमी का हमारा रेगुलर टाइम है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स आते हैं। ये इनकी मोहब्बत है, इनका खलूस है सर आसिफ और सर वकास का कंप्यूटर और मैथ की क्लासेस के लिए। बच्चे 10 बजे तक यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी में आते हैं, तो इनके लिए अगेन क्लैपिंग जी। अब हमारी सीनियर क्लास 9th क्लास क्लासेस का नुक्ते आगाज अगरचे प्ले क्लास से होता है, लेकिन नुक्ता जो वस्त है, नुक्ते जो दरमियान है, ये नहम और दहम का होता है। ये एक मरकजी गेट की हैसियत रखता है, मरकजी दरवाजे की हैसियत रखता है। प्ले से लेकर नहम और दहम तक आने के लिए आपको बड़े ही मरलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन मरकजी जो गेट है वो आपका नहम और दहम है। उसके बाद आपको पता लगता है कि इंटरनल एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होता है, आपके अजाइम क्या है, आपके ख्वाब क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके गोल्स क्या है। अगर मैट्रिक